रही है, महल देख रही है। और तौले परीक्षित जी दुर्योधन निकल पड़ो वहां की मिल मिलाओ, तो वो बाने जानी आगे दीवार है और पास में पानी भरो है। तो बने ऐसी छलांग लगाई दुर्योधन को, सर दीवार में लगो धाड़ से गिर पड़ो। द्रौपदी ताली पीट करके हंसी, बोली आज दम तक सुनते थे अंधे के अंधे होते थे, लेकिन आज आंखों से मैंने देख लिया कि अरे द्रौपदी पीटी हंसी ताली। अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन ने इतनी बात सुनी मानो शरीर में सारे खून दौड़ गया हो, आंखों से खून निकल आया। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास में पहुंचा, बोला मामा आज उस पार्वतियों की नार ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, जलील किया, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके कारण मैं उसे भी सभा में नंगा कर सकूं। एक उपाय क्या? पता हम पास कैसे डालते। बहुत बढ़िया। आज दुर्योधन ने एक पत्र लिखकर के पांचों पांडवों को बुलवा लिया, और जब पांचों पांडवों को बुलाया धर्मराज से कहा चलो जुआ खेलो। धर्मराज बोले मैं जुआ नहीं खेलता। दुर्योधन बोलो भैया ये दृष्टर अरे झुटल जुआ हो रहे, कोई और जनर थोड़ा टाइम पास के लिए खेल ले। तो छल के द्वारा पांडवों को बैठा लिया।